हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है सर, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यहां पे बात करने वाले हैं यूपीआई से आप किस तरह से डिपॉजिट करके यूएसडीटी परचेज कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम आपने देखी होगी बैंक ट्रांसफर्स में, 24 घंटे, 48 घंटे, कभी कभी तो 10-20 दिन भी लग जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ट्रस्टेड एक्सचेंजेस पे भी जो है जो यहाँ पे INR डिपॉजिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर। एक अल्टरनेटिव हमारे पास P2P था, लेकिन उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्राइजेस, जैसे 95 रुपीज़ का एक USDT या फिर 98 रुपीज़ का USDT, एक फेयर प्राइस जो है हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मैं एक अल्टरनेटिव आपको बताने वाला हूँ जो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और जो मैं भी पिछले कुछ टाइम से जो है यूज कर रहा हूं, और उस ऐप का नाम है यहां पे OnRamp। यहां पे चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, मैं किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से KYC करनी है, किस तरह से आपने डिपॉजिट करना है, कैसे एड्रेस चूज करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन यहां पे वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको कोई चीज पता ना चले तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। सो अभी चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गूगल प्ले स्टोर में। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही ऐप जो है आपने इंस्टॉल करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सीधा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये यहाँ पे मैं ऐप को इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी देखिए ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, हम इसको करते हैं ओपन, और ओपन करते हुए कुछ इस तरह का ऐप का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस OnRamp, OnRamp की जो ऐप है, वी कैटर टू अ वाइड रेंज ऑफ डी एप्स हेल्पिंग कंपनीज रैपिडली ऑनबोर्ड न्यू यूजर्स। तो यहाँ पे देखिए जो भी बड़ी ब्लॉकचेन से वहाँ पे जो है इनके इकोसिस्टम को ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम Polkadot, Binance, आप कुछ भी जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, Binance स्मार्ट चेन का कर लेते हैं, BNB का। और यहाँ पे आप डिपॉजिट नाउ, डिपॉजिट क्रिप्टो इन Binance यूजिंग OnRamp, हाउ टू डिपॉजिट। तो Binance जो है एक एग्जाम्पल ली गई है, आप कोई भी और एक्सचेंज भी यूज़ कर सकते हो। डिपॉजिट नाउ पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आप जो है देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे टॉप पे आपको लाइन है ये बनी हुई दिखी होंगी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आपने जो है प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और प्रोफाइल पे क्लिक करते ही वेरीफाई योर नंबर, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। तो मैं अपना यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद आपको OTP आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है OTP डाल देना है। तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, 445719। तो यहाँ पे जैसे ही आप OTP डालोगे तो यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगी, मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपने कंप्लीट KYC पे क्लिक करना है, स्टार्ट KYC। यहाँ पे आधार नंबर, पैन नंबर जो है आपने डालना है। यू विल जस्ट नीड यूअर आधार नंबर और पैन नंबर, ये दोनों चीज़ें जो है आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आपको स्टार्ट KYC पे क्लिक करना है, उसके बाद वेबसाइट ओपन होगी और आपने स्टार्ट वेरीफिकेशन यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट DigiLocker में है तो सिंपली आप जो है DigiLocker से भी जो है यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो सिंपल एक स्टेप में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का DigiLocker में नहीं होता अकाउंट, तो यहाँ पे मैं आधार नंबर टाइप करके आपको बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, अब मैं सबमिट एंड कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे अब मैं अपना पैन कार्ड नंबर जो है वो डालूँगा, पैन कार्ड नंबर भी डाल दिया। सबमिट एंड प्रोसीड पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सिंजी आप देखेगा, यू आर अबाउट टू लिंक योर DigiLocker अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो है डालना है, उसके बाद ये कैप्चा डाल देना है। आप यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वो यहाँ पे DigiLocker के साथ जो है लिंक होगा, वो यहाँ पे OTP वहाँ पे आएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे OTP डाल देना है। तो जैसे ही आपको ये आधार कार्ड वाले नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आपने डाल देना है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने 6 डिजिट और जो DigiLocker का पिन रखा होगा वो यहाँ पे डाल देना है। आफ्टर दैट आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप अपना कंसेंट दे रहे हो कि आप अपना DigiLocker के डॉक्यूमेंट जो है वो इस के साथ जो है वो यहाँ पे इसको एक्सेस दे रहे हो। तो उसके बाद आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है और थैंक यू हैव सक्सेसफुली, यहाँ पे देखेंगे इनिशियलाइजिंग KYC मॉड्यूल, KYC वेरीफिकेशन बीइंग प्रोसेस्ड। तो अभी जो है हमारा KYC प्रोसेस हो रहा है, KYC जो है हमने कंप्लीट कर दी है। हम दोबारा से ऐप के ऊपर आ चुके हैं, बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सीधा बाय पे जाके आप जो है यहाँ पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे देखिएगा ये कन्फिगर हो रहा है। लेकिन हम दोबारा से प्रोफाइल पे जाके देखते हैं कि हमारी KYC अप्रूव हुई है या नहीं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे आप देखोगे कॉन्ग्रेट्स, योर बेसिक KYC इज़ डन, टू फर्दर इंक्रीज योर डिपॉजिट लिमिट्स प्लीज़ सबमिट वीडियो KYC। तो बेसिक KYC जो है हमारी वो हो चुकी है आधार कार्ड पैन कार्ड की। अब जो है यहाँ पे आप वीडियो KYC भी कर सकते हो अगर आप लिमिट इंक्रीज़ करना चाहते हो। अब मैं सिंपली आपको जाके यहाँ पे बाय करके बताऊँगा कि आप किस तरह से यहाँ पे USDT जो है सीधा अपने UPI से बाय कर सकते हो। मिनिमम आप जो है 100 USDT बाय 100 रुपीज़ से मिनिमम आप परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 500 रुपीज़ से जो है वो करके बताने वाला हूँ। मैटिक USDT आप यहाँ पे किसी से भी ले सकते हो, Binance स्मार्ट चेन पे ले सकते हो USDT। उसके बाद यहाँ पे सीधा
USDT ले सकते हो, इथेरियम ले सकते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं USDC ले सकते हो। तो मैं सीधा सिंपली यहाँ पे मैटिक मैंने रखा हुआ है, मैटिक की अगर आप फी देखोगे तो 0.14 USDT अभी फी है। अगर हम किसी और का देखें मैटिक के अलावा, BEP20 की अगर हम फी देखें तो 0.29 USDT है। तो मैटिक की जो फी मुझे कम लग रही है तो यहीं पर हम करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने 500 रुपीज़ लगाए और 5.35 USDT जो मिलेंगे और 0.14 USDT जो है यहाँ पे फ़ी कटेगी। हम सीधा प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट विद, यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है अपना। मेक श्योर द वॉलेट एड्रेस यू पुट इज़ ऑफ द सेम कॉइन एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव चेन। तो यूअर परचेज जो हमने यहाँ पे USDT मैटिक 20 पे जो है लिया है मैटिक के ब्लॉकचेन के ऊपर, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं एक्सचेंज के ऊपर। मैं यहाँ पे जो है MEXC एक्सचेंज यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी एक्सचेंज जो है यूज़ कर सकते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज या फिर एनी अदर एक्सचेंज जो आप यूज़ करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे वॉलेट में जाके USDT पे आ चुका हूँ। अभी आप मेरा बैलेंस देखोगे 0.01 USDT है। डिपॉजिट पे मैं करूँगा क्लिक। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे मैटिक। मैटिक पे हमने कर दिया है क्लिक और यहाँ पे मैटिक का जो है एड्रेस हमने कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इंटर वॉलेट एड्रेस जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 500 INR जो है हमने पे करने हैं। हमारा एड्रेस जो ये है प्रोसीड टू पे हम क्लिक करेंगे। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका बैंक में नेम है, जो KYC में नाम है, दोनों नाम सेम होने चाहिए, यानी एक ही बंदे के अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए, अलग अलग बंदे के अकाउंट से पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ओके, गॉट इट पे मैं करता हूँ क्लिक। तो यहाँ से हम KYC ये जो है हमारा कॉपी कर लेते हैं। UPI ID मैंने जो है कॉपी कर ली है, और नोट में आपने UPI ऐप में क्या करना है, 6263 डाल देना है, जिससे जो है, तो मैंने जो है भीम एप्लीकेशन से सेंड किया। सेंड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद मैंने जो यहाँ पे UPI ID कॉपी की थी वो वेरीफाई की। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे रिमार्क्स में जो मैंने चीज़ डालने को बोला था वहाँ से वही जो है 6263 मैंने डाला और पेमेंट जो है वेरीफाई कर दी, पेमेंट डाल दी। अभी देखिए हमने वहाँ से पेमेंट कर दी है, सारा कुछ, सारी डिटेल्स जो हैं वो हमने डाल दी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखिए ये टाइमर होता है और टाइमर के अंदर ही आपको पेमेंट करनी है। आई हैव मेड द पेमेंट, आई हैव पेड, इस पे आपने जो है वो क्लिक कर देना है। लुकिंग फॉर योर डिपॉजिट एग्जीक्यूटेड, वेटिंग टाइम जो है 30 सेकेंड्स है। यहाँ पे देखते हैं 30 सेकेंड का टाइमर ख़त्म होता है और फिर मैं जो है आपको बताता हूँ। देखिए मेकिंग योर परचेज जो है हमारी परचेज कर रहे हैं, सेंडिंग क्रिप्टो, और ये बोल रहे हैं हम क्रिप्टो को जो है सेंड कर रहे हैं। बहुत सीमलेसली, बहुत जल्दी जो है ये प्रोसेस होता है। लोगों को P2P में बहुत ज़्यादा स्कैम्स का सामना करना पड़ता है और अकाउंट्स भी जो है वो फ्रीज हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, इसलिए जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको भी ये हेल्प करेगा। सेंडिंग क्रिप्टो का जो है हमें दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ERC20, BSC20 या बाइनेंस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन, मैटिक, एवलॉन्च, जो भी आप जो ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम जो है 60 सेकेंड जो है इन्होंने बताया हुआ है। सो देखिए अभी यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे हैश आईडी भी आपको मिल जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस भी मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 61 सेकेंड्स के अंदर जो है, एक मिनट के अंदर अंदर आपका सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे एक्सचेंज पे और देखते हैं हमारे जो 5.35 USDT हमने परचेज किए हैं वहाँ पे पहुँचे भी हैं या नहीं। सो यहाँ पे देखिए मैंने मैटिक पे ट्रांसफ़र किए थे और यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में चल रहा है अभी। यहाँ पे देखिएगा इसको जो है यहाँ पे 304 नेटवर्क कन्फर्मेशन हो चुके हैं, यहाँ पे 500 नेटवर्क कन्फर्मेशन चाहिए। जैसे ये कंप्लीट होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे देखें तो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे ऑलरेडी जो है हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज अभी हमारा जो है यहाँ पे डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है MEXC एक्सचेंज पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डिपॉजिट 5.35 USDT का, मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए जो है किया है। यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुका है और यहाँ पे अब हम दोबारा से जाते हैं और देखते हैं हमारा USDT अभी कितने हुए हैं। पहले 0.01 USDT थे। सो अभी अगर आप देखोगे तो हमारा 5.36 USDT, तो देखिए हमारा जो है कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे USDT आ चुके हैं। तो आपको अभी महंगे USDT खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, 95 रुपये, 98 रुपये, 92 रुपये। तो ऑन रैंप पे आप एक तो सस्ते में जो है USDT ले सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप कन्वीनियंट हो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे, और उस पे प्लस पॉइंट ये कि इंस्टेंटली ये हो जाता है और आप विद UPI जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सुझाव है तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सर, आप देख रहे थे क्रिप्टो TV इंडिया यूट्यूब चैनल।